अब हम देख लेते हैं इसको एक बार, जो पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस राइज होते हैं, और क्वेश्चंस में कहां आपको डिफिकल्टीज आएंगी धुन यूनिवर्सिटी में पढ़ना किस तरह, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आपके सामने सीधा पीडीएफ इसलिए शेयर करिए ताकि चीजें थोड़ी फास्ट हो जाए। ठीक है, स्पेन की स्टार्टिंग जो होती है वो आपका हमेशा होता है किसी एक मैं कहूँ तो उसके लोकेशन से। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे किससे आता है कि आप देखेंगे अगर, तो दो चीजें हैं मोस्टली जो हम जेएनयू के लिए पढ़ते थे, तो जो क्वेश्चंस आते थे वो कहाँ से आते थे, मोस्टली पेनिनसुला पे कोरिया से आ जाता था। लेकिन अभी आपको दून देना है, वहां पे कोरियन लैंग्वेज नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपका, बेस साउथ वेस्टर्न यूरोप है, ऑक्यूपाइंग क्या होता है मोस्ट ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखिए स्पेन जो लोकेटेड कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न यूरोप में है, ऑक्यूपाई किया हुआ इसने मोस्ट ऑफ द इबेरियन पेनिनसुला। दूसरा पॉइंट है कि इबेरियन पेनिनसुला किस नाम से जाना जाता है, तो इबेरियन पेनिनसुला को आइबेरिया के नाम से जाना जाता है। अब पेनिनसुला भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं, जिसमें पूरा देश भी हो सकता है, जैसे कोरिया के अंदर कोरियन पेनिनसुला था जिसमें से दो नए आपके देश बने, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया, ठीक वैसे ही स्पेन है। इबेरियन पेनिनसुला क्या होता है कि स्पेन और पोर्तुगल को डिवाइड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में पूछा गया था कि स्पेन और पोर्तुगल जो है उसको ये क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। आगे आता है इबेरियन पेनिनसुला। तो इबेरियन पेनिनसुला सेकेंड लार्जेस्ट यूरोपियन पेनिनसुला है बाय एरिया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो जो स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला, सॉरी यूरोप का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। ठीक है, अब आपको दुनिया का, मैंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जानते हो कौन सा है पूरी दुनिया में, तो बता सकते हैं मुझे द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। नहीं पता, अरेबियन। आगे चलिए, यहां से क्वेश्चन आपको स्पेन से आना है, माइक ऑफ कर लो भाई जिसका भी है प्लीज। मुकेश कुमार, जिस चीज समझ में नहीं आती सीरियसली, सब लोग मैच्योर होते हैं पर माइक ही क्यों ऑन होता है, और ऑन होने के और बंद भी नहीं करते, घर में लड़ भी रहे हैं तो माइक ऑन करते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब देखिए नेशनल सिंबल की बात करते हैं, नेशनल सिंबल की अगर हम बात करें तो नेशनल गेम जो यहाँ का है जैसे फुटबॉल है, नेशनल फ्लावर यहाँ का रेड कार्नेशन है, नेशनल एनिमल बुल है। अब बुल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गेम होता है बुल फाइटिंग। ठीक है, बुल फाइटिंग गेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्पेन में ऐसे का एक ट्रेडिशनल गेम है। एक्चुअली में क्या है, ट्रेडिशनल गेम है, गॉट इट माय पॉइंट। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेट ए मिनट, हाँ तो मैं बता रहा था आपको, बुल फाइटिंग जो है वो वहाँ का ट्रेडिशनल गेम होने की वजह से काफी फेमस भी है। उसके अलावा नेशनल एम्बलम इनका पिलर ऑफ हरक्यूलस है, एंड नेशनल एंथम जो है वो आपका मार्च रियल है। ठीक है, या फिर हम कहते हैं इसको रॉयल मार्च। स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको एक चीज बहुत बेहतर है, वो है कि उस कंट्री में जाके आगे का अध्ययन करने का जो मौका मिलता है, बहुत बेहतरीन कंट्री है और सबसे, यस रिकॉर्डेड,
और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम स्पेन, तो वो बताते हैं कि वहाँ के लोग इतने बेहतर हैं कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो इंडिया की तरह नहीं है। जैसे इंडिया में एग्जाम सब कुछ होता है ना आपके लिए, वहाँ पे उल्टा है। वो बता रहे थे मुझे कि वहाँ एक दिन एक स्टूडेंट थी, उसे वायलिन का परफॉर्मेंस देना था लेकिन उसके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम थे। तो आप ये सोच लीजिए उसकी वायलिन परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, इसके लिए उस कॉलेज ने एग्जाम उसका बाद में लेने के लिए बोलते, उसका एग्जाम शाम को लिया गया, वो जो परफॉर्मेंस दे के आ गए। ठीक है, तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का। और दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लाइक पीपल्स आर डूइंग, एक होता है ना लाइफ को जीना, वो शायद वहाँ के लोग हमसे ज्यादा बेहतर जीते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि हम लोग, मुझे लगता है कि आप लोग भी शायद उसी मेरी कैटेगरी से आते हैं कि हम लोग पूरा करियर 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 सोचते रहते हैं, ऑलवेज करियर के बारे में। बट वहाँ पे अगर पढ़ने जाओगे तो ये थोड़ी नई चीज मिलेगी। तो लैंग्वेज काफी अच्छा है। पॉपुलर गेम की बात करें तो बुल फाइटिंग है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा बुल फाइटिंग नाम जैसा ही एक गेम होता है, जिसका नाम क्या है आपको पता है? जल्लीकट्टू, याद है जल्लीकट्टू? इंडिया में लगभग ऐसा ही होता है वो भी। जल्लीकट्टू के बारे में जानते हो, किस स्टेट का गेम है? कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। Have you any idea about जल्लीकट्टू? अरे बोल तो जाओ यार, सब लोग सो रहे हो क्या सुबह सुबह? तो सच में पढ़ाते वक्त अगर रिप्लाई नहीं आता है ना नीचे, ऐसे लगता है बस अकेला बोले जा रहा हूँ। जल्लीकट्टू के बारे में पता है कि नहीं है? तो रिप्लाई मांगने ही बेकार है, मैं ही बता देता हूँ। तमिलनाडु का ये गेम है जल्लीकट्टू, जिसके ऊपर बैन लगाया गया था बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। काफी फेमस गेम है वहाँ पे, बैल से लड़ाई होती है। और ये जो आपका है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बुल फाइटिंग भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेडिशनल गेम है। ठीक है, और जल्लीकट्टू भी उनका ट्रेडिशनल गेम है। नेशनल गेम यहाँ का सुकर है। सुकर का मतलब क्या होता है? फुटबॉल होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ऑफिशियल करेंसी इनकी यूरो है। अब मैं थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यूरो आ रहा है। यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली क्या था कि यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली एस्टेब्लिश होती है 1993 में, वैसे हो तो गई थी 1992 में, और इसका बेसिक स्टार्ट हो गया था 1951 से ही। ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिश यूरोपियन यूनियन का पहला जो ट्रीटी रोम हुआ था वो 1957 में हुआ था। ठीक है, तब ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में 1993 में क्या बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया। अब ये यूरोपियन यूनियन जो है ये क्या करती है कि इसके टोटल 27 कंट्रीज हैं। इन दिनों आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ आपसे तो यूरोपियन यूनियन के नाम पे जो यूक्रेन वाला इशू चल रहा है, यूक्रेन वाला इशू जो है, यूक्रेन वाले इशू में आपने देखा यूक्रेन को मान्यता देने की बातें चल रही हैं। यू हैव आइडिया अबाउट इट, तो आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन करंट अफेयर के नाम पे यहाँ से आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूक्रेन जो है वो इसका मेंबर बनना चाह रहा है। 27 कंट्री हैं। अगर आपसे पूछ लेगी हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो टोटल 27 मेंबर्स हैं इसके। वो 27 मेंबर्स जो हैं उनमें एक स्पेन भी है। अब इनकी अपनी अलग करेंसी है जिसका नाम है यूरो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि यूरो कब लॉन्च हुआ था? तो यूरो सबसे पहले दुनिया में लॉन्च हुआ था 2002 में। नोट कर लेना ये पॉइंट, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसके अलावा आपको मैं और बताता हूँ, यूरो के अलावा, यूरो 2002 में आया था, उससे पहले यहाँ की करेंसी क्या थी, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो स्पेन की इससे पहले करेंसी क्या थी? पेस्ता। ठीक है, स्पेन की इससे पहले करेंसी क्या हुआ करती थी? पेस्ता हुआ करती थी। ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का जो मैं कहूँ कि मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से टोटल 19 कंट्रीज यूरो को एज एन कॉमन करेंसी यूज करती हैं। ठीक है, एज ए कॉमन करेंसी। ठीक है, यानी आप अपना बैग उठाइए,
बैग उठा के स्पेन से चलिए किसी दूसरी कंट्री में जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, आपको वहां पर करेंसी बदलवाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे वीजा का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से यूरोपियन यूनियन के अगर नागरिक हैं तो आप पूरे यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में घूम सकते हैं, 27 देशों में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। एक बार टैक्स लगता है, उसके बाद दोबारा टैक्स नहीं लगता उस पर, एक बार ही टैक्स देना होता है। तो ये क्या है कि आपके फायदे हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने के, और यूरोपियन यूनियन के बेस पे हमारे इंडिया में हमारे एशिया में एक सोसाइटी बनाएगी जिसका नाम रखा गया सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन जो सार्क है, वो सार्क स्टैब्लिश जब किया गया तो इसी बेस पे किया गया कि हम भी ऐसी कंट्री, हम भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल ईयू की तरह होगा। लेकिन समय बीतता गया और आपको पता है हमारे एशिया के अंदर घर में भाई भाई की नहीं बनती तो कंट्री की कैसे बनेगी, राइट? वो कंट्रियां सार्क वाले आठ के आठों मेंबर आपस में नहीं कभी सुलझ पाते, बेचारे ट्रेड कहां से करेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन वाला कंसेप्ट समझ में आया, इसका हाँ ना बता देना अगर पॉसिबल हो तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते थोड़ा स्पेनिश फ्लैग की। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही चीजें बताऊंगा, इसका कलर याद रखिएगा बस। कलर क्या है इसका? येलो रेड एंड, पहला भी येलो, पहला रेड है फिर येलो है फिर रेड है, ठीक है, तीन कलर। इसके अलावा फ्लैग को रोजी गुआल्डा के नाम से जाना जाता है, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसे और क्वेश्चन आते ही नहीं। हाँ, इसका डिजाइनर के बारे में पूछ लेता है, एंटोनियो वेल्डेस ये ब्लेजन इसका नाम है, ठीक है। नेशनल मोटो की बात करें तो प्लस अल्ट्रा यानी बियॉन्ड फर्दर, प्लस अल्ट्रा ये कहाँ से था, जो मोटो चार्ल्स यानी भागल किंग था उसका ये पर्सनल मोटो था, गॉट इट माय पॉइंट, पर्सनल मोटो किसका था, चार्ल्स का, गॉट इट। अब ऐसे ही जैसे जापान की बात करोगे ना आप आगे अभी पढ़ोगे, मैं ऐसे जापान का जो नेशनल एंथम है ना किमिगायो नेशनल एंथम, वो यहाँ का क्या है इसका, जापान का जो राजा होता था ना पहले किंग होता था उसका वो है, सीधा सा कनेक्ट उससे कनेक्टेड था ये, उसको उठा के बाद में क्या बना दिया, उसका नेशनल एंथम बना दिया। और वो है क्या वैसे एक्चुअली में किमिगायो, दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम है किमिगायो। तो ये कि नेशनल एंथम है मार्चरियल रॉयल मार्च, ठीक है, इसके इसे जाना जाता है ला मार्चा ग्रैंडेरा यानी ग्रैंडियर मार्च के नाम से ऑप्ट किया गया था 1770 में, और ये नेशनल एंथम है स्पेन का, गॉट इट, वन ओनली फॉर नेशनल एंथम। ये आपके काम का नहीं है पॉइंट, पीडीएफ पढ़ते वक्त भी नोट छोड़ देना क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है अभी। नेशनल कैपिटल आपको पता है इसका मैड्रिड है, मैंने उस दिन आपको जो बुक पढ़ने के लिए बोला था, अरे पढ़ेंगे यार एक दिन में थोड़ी करेंगे सिस्टी सारे पढ़ने, तुम्हें ये भी उतना ही पढ़ना है जितना जर्मनी पढ़ना होगा, सारे कंट्री आएंगे उसमें, समझ गए, एक कंट्री नहीं आएगा वहां पे। मुझे लगता है कि एक वीडियो मुझे फिर से यूट्यूब पे डालना होगा इसके रिगार्डिंग, बहुत सारे बच्चे एक ही कंट्री पढ़े जा रहे हैं। मोस्ट पॉपुलर सिटी है पूरे स्पेन की, इसके अलावा मैड्रिड जो है, मैड्रिड की अगर मैं बात करूं आपसे तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पूरी यूरोपियन यूनियन आफ्टर बर्लिन, यानी बर्लिन जो है वो पूरे यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। मैड्रिड दो फुटबॉल क्लब्स का हाउस है, रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड, तो ये फुटबॉल क्लब है दुनिया के काफी बड़े, ठीक है। इसके अलावा आपका ये पॉइंट मैटर नहीं करता आपके लिए, हाँ आपके लिए टूरिस्ट प्लेसेस मैटर करते हैं, जिनको टूरिस्ट प्लेसेस में प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पे ग्रैम विया, प्लाजा मेयर, प्योरटा डे अल्काला, रॉयल पैलेस, अल्मुडेना कैथेड्रल, ये वो टूरिस्ट प्लेस है जो कहाँ है, मैड्रिड में है, गॉट इट पर पॉइंट, ये मैड्रिड में है, कैपिटल के अंदर है। अल्मुडा कैथेड्रल जो आपका ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया था वो पोप जॉन पॉल के द्वारा किया गया था, रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड जो है ये वहां की स्पेन की जो रॉयल फैमिली है, ठीक है, स्पेन की जो रॉयल फैमिली है उसका वो है पार्ट, ठीक है, रॉयल फैमिली का क्या है पार्ट है, गॉट इट। मैड्रिड ने क्या होस्ट किया था 1982 का फीफा वर्ल्ड कप, अब मैं आपको बताता हूँ फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा, फीफा वर्ल्ड कप
देखिए फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जान लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप एक्चुअली में एक फीफा एक फुटबॉल ऑर्गेनाइज फुटबॉल गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन करके ये है। अब एक चीज जानिए, फीफा का जो वर्ल्ड कप स्पेन से कनेक्ट बता रहा हूँ, इन्होंने 1982 में तो होस्ट किया था। 1982 में क्या किया था, होस्ट हिंदी में कहें मेजबानी की थी। और इसने क्या किया था, इसका जो पहला इसने जीता वो 2010 में जीता था। 2010 में किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। हाँ, और 2010 का हुआ कहाँ था, साउथ अफ्रीका में। उस टाइम सब लोग स्कूल में ही होंगे, कई आप में से तो मोस्टली उस टाइम थर्ड फोर्थ में रहे होंगे या फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे ज्यादातर। तो साउथ अफ्रीका में हुआ था 2010 में, और इसे साउथ अफ्रीका ने जीता था, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, हाँ हाँ वक्का वक्का, ये तो हमारा भी फेवरेट रहा था। खुद को बस अमेरिकन सिंगर समझते थे, बात वक्का वक्का गा के, बस आता वक्का ही वक्का था आगे यार, वो एक वक्का वक्का इन साउथ अफ्रीका, बस एक लाइन याद थी, यही गुनगुनाते रहते थे क्लास में। खुद को स्कूल बॉय होते थे ना, दिखाने की कोशिश करते थे कि हाँ मैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करूँ मैं, स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है एक्चुअली से रोमांस लैंग्वेज भी कहते हैं, और रोमांस लैंग्वेज एक लैंग्वेज का एक कैटेगरी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। टोटल 27 लेटर्स हैं पूरे स्पेनिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज फैमिली इसका इंडो यूरोपियन होता है। राइटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो लैटिन स्पेनिश अल्फाबेट। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए कि जो लैटिन लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज, तो लैटिन लैंग्वेज जो है वो क्या है, मोस्टली यूरोपियन लैंग्वेजेस की जननी है। जैसे हम कहते हैं ना, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, एज वेल एज लैटिन लैंग्वेज, लैटिन स्क्रिप्ट एक्चुअली इज द मदर ऑफ ऑल, मोस्ट प्रोबेबली ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस, फॉर एग्जाम्पल जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल यूरोपियन लैंग्वेज लाइक मदर एज लैटिन। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज जिन कंट्रीज की है, 20 कंट्रीज की, उनमें आपका अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, आपका कोलंबिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, इक्वेटोरियल गुएना, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मैक्सिको, निकागुआ, पनामा, पराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे, वेनेजुएला, ठीक है, ये 20 कंट्रीज हैं। ये वो कंट्रीज हैं जिनका ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। अच्छा, मुझे कोई आप से जान बता सकते हैं यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, How many official languages of UN? Tell me. Anyone can explain how many official languages of UN? Then yeah, right. So UN have 6 official languages, and the Spanish is the part of 6 languages. Okay. So official language of UN: EU, Interpol, ILO, ITU, IUCN, WHO, WTO. You have an idea about the full form of UN, EU, ILO, ITU, IUCN, WHO, WTO? You have proper idea about the full forms of these organizations? Have you idea about it? Yes or no? Mostly UN is United Nations Organization, EU is European Union. Ravindra Kumar Chaudhary, please turn off your camera. प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा, घर मत दिखाइए, क्लास करिए। ILO का होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ITU का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और आपका IUCN का होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर, क्या होता है IUCN, आपको पता होगा, साइंस के स्टूडेंट होंगे आप में से, जानते हो IUCN का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, किसी को नहीं पता IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? WTO का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, WHO का भी पता होगा, वो IUCN का फुल फॉर्म पता है कि नहीं, हाँ ना तो बता दो कम से कम। नो सर,
से बोलो ना कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बैठ जाते हो। अच्छा इसका डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था ये पता है? डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? सॉरी डब्ल्यूटीओ का 1995 में। तो आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट टाइप की बात करते हैं। गवर्नमेंट टाइप जो है यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी जानी जाती है जनरल कोर्ट्स के नाम से। टाइप इसका बाइकैमरल है। मीटिंग प्लेस इसका क्या है? प्लेस ऑफ द सीनेट, प्लेस ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आएगा। अपर हाउस इसका सीनेट है, लोअर हाउस इसका कांग्रेस डेप्यूटीज है। हेड ऑफ स्टेट इसका फिलिप सिक्स, सॉरी हाँ फिलिप सिक्स ऑफ स्पेन है। एंड एनथ्रोनमेंट इनका हुआ था 2014 में, प्रोसिडी से जॉन जुआन कार्लोस फर्स्ट थे। एंड किंग फिलिप जो थे इस डायनेस्टी, ये किस डायनेस्टी थे? हाउस ऑफ बबन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो स्पेन के मोनार्क हैं अभी, स्पेन के जो प्रिंस हैं, स्पेनिश प्रिंस हैं, या फिर यहाँ के जो मोनार्क हैं, वो किस हाउस से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? तो वो कहाँ से आते हैं? हाउस ऑफ बबन से आते हैं। ठीक है नोट कर लेना, हाउस ऑफ बबन। ठीक है यहाँ से वो लोग आते हैं, क्लियर है? अब आता है आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है यहाँ का? प्राइम मिनिस्टर होता है। करंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ के पेड्रो सांचेज है। ठीक है इसको एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, पेड्रो सांचेज को। ठीक है तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है यहाँ का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर हम बात करते हैं फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की स्पेन में, कि फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से स्पेन में। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ स्पेन में, मैंने आपसे मैड्रिड वाले टूरिस्ट प्लेसेस की बात की थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ, तो आपका आता है जैसे अल्हम्ब्रा एंड जनरल लाइफ गार्डन। ठीक है सागरदा फैमिली लेक्चर, जेएनयू में कम से कम ये क्वेश्चन, जेएनयू में आपने 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछा था ये। ठीक है आपका सागरदा फैमिली चर्च, ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा। उसके अलावा आपका पार्दोन पैसो डेल आर्ट्स मैड्रिड, वन ऑफ वर्ल्ड टॉप आर्ट म्यूजियम। सैंट लोरेंजो डे एल एस्कोरिनल ये मैड्रिड में है। ठीक है आपका ये एक म्यूजियम है, गुगेनियम म्यूजियम है, ये बिलबाओ में है। सैंटियागो डे कॉम्पोस्टेला कैथेड्रल सैंटियागो में है। ला रामब्ला बार्सिलोना में है। द वाइट टाउन ऑफ एंडालुसिया ये एंडालुसिया में है। गोथिक क्वार्टर बार्सिलोना में, ला पेड्रेरा बार्सिलोना में, पैलेस ऑफ कैटलिन म्यूजिक बार्सिलोना में। ठीक है तो इनमें मोस्टली क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ जाएगा? आपका सागरदा फैमिली चर्च जो है वहां से मोस्टली आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फेमस पेंटर्स। मैंने आपको बताया था जब आप स्पेन पढ़ रहे हो तो आपको फेमस पेंटर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फेमस पेंटर्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो पाब्लो पिकासो है, इनका नोटेबल वर्क था आपका गर्निका, वुमन विद पियर्स, गर्ल्स बिफोर ए मिरर, ड्रीम एंड लाय ऑफ फ्रैंको, क्राउचिंग वुमन, ओल्ड जो एंड अ बॉय, वुमन विद लव, लॉयस एंड एवस्टिन ग्लास, स्टिल लाइफ विद चेयर कैनिंग, ब्लाइंड मैन्स मील। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इसमें पूरे में, पहले क्वेश्चन आता था कि पाब्लो पिकासो जो है उसकी फेमस पेंटिंग कौन सी है। ठीक है फेमस पेंटिंग कौन सी, अब क्या आता है? फेमस पेंटिंग दी होती है, क्या दिया होता है? फेमस पेंटिंग तो दिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होता है? ये किसकी है? अब चार ऑप्शन दिए होंगे, पेंटिंग तो याद करना हर किसी के बस की बात होती नहीं कि सारी पेंटिंग रट ले। ठीक है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपने पेंटिंग्स ध्यान से पढ़ें और राइटर फिर पढ़ें, उल्टा पढ़ें इसे। ठीक है सैल्वाडोर डाली जो है वो आपका हम कहें कि उसका जो प्रेजिडेंस ऑफ मेमोरी था, डाइगो
वेलक भी जो था ये लेस, मिनस था, एल ग्रेसियो द ब्यूरल ऑफ द काउंट ऑफ वार्गेस, इसके अलावा फ्रांसिस्को गोया, ये सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, जुआन मारियो द फार्म, ये कुछ पेंटिंग्स हैं, इनको रट लेना, मोस्टली पाब्लो पिकासो से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ब्रांड नेम सबको पता है, जारा, मांगो, मासिमो दुती, लोए, बर्शका, देसी गर्ल, एडोल्फो, डोमिगज, ये सारे वहाँ के ब्रांड है। मोस्टली आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इसको यूज भी करते होंगे, एज इन ब्रांड भी यूज करते होंगे, ठीक है। आप में से हो सकते हैं बहुत सारे होंगे इस ब्रांड के बारे में अच्छे से पता हो, कुछ को शायद नहीं भी पता हो, ये भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेन की ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी में किसको कहाँ दिक्कत आ रही थी बताना जरा मुझे, स्पेन की ज्योग्राफी जो है बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली मैं आपको तीन चार चीजें याद, आपको कॉन्टिनेंट पता है, यूरोप है, हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है इसका, माउंट टाइड है, आपका लोएस्ट पॉइंट एटलांटिक ओशियन है, लॉन्गेस्ट रिवर एफ्रो है, ठीक है। टैगस रिवर यहाँ का लॉन्गेस्ट रिवर है इबेरियन पेनिनसुला पे, लार्जेस्ट लेक लोगो दे सानप्रिया, ठीक है। बॉर्डर कंट्रीज की बात करूँ तो लैंड बॉर्डर्स हैं आपके पुर्तगाल, फ्रांस, एंडोरा, मोरक्को, ठीक है, जिब्राल्टर पांच नंबर पे आता है। लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर इसका जो है वो किसके साथ शेयर करता है, अपना पुर्तगाल के साथ। शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर मोरक्को के साथ, ठीक है। द पेनिन्स माउंटेन्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, स्पेन और फ्रांस के बीच में ये बॉर्डर लोकेटेड है। माउंट टाइड जो है थर्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड में अपने बेस से लेके, तो यहाँ पे इसका बहुत ही बेसिक सा मैं कहूँ जीके है। और इसके जो मेजर रिवर्स की बात करूँ स्पेन में तो वो आपका टैगस है, एफ्रो है, ग्वाडिना है, दोरो है, टूरिया है, मिनो है। लार्ज सिटीज है मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया एंड सिविले। टोटल टाइम जोन स्पेन में कितने, दो है, ठीक है। टाइम जोन कितने यहाँ पे, दो टाइम जोन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, हाउ मेनी टाइम जोन इन स्पेन। ओके, आगे हम आते हैं स्पेनिश नोबल लॉरेट्स के लिए। स्पेनिश नोबल लॉरेट्स के लिए हम बात करें अगर, तो यहाँ पे जो विनर्स हैं जिसमें आपके एक जो आता है जैसे जोस एसग्रेरी, इनको मिला था लिटरेचर 1904 में नोबेल। यहाँ इसका अगर मैं बात कहूँ तो आपसे लिटरेचर उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि लिटरेचर में बहुत ज़्यादा या फिर नोबेल प्राइज बहुत ज़्यादा उतने इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ के। यहाँ पे जो क्वेश्चन मोस्टली आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, स्पोर्ट्स से मिलेगा। किससे मिलेगा, स्पोर्ट्स, राफेल नडाल, मैड्रिड के जो भी प्लेयर हैं उनसे। ये सेशन का खत्म होने वाला है, 20 मिनट का सेशन और दूंगा, उसके बाद क्लास वाइंड अप करूंगा, ठीक है। उसका मैं 2 से 2.5 मिनट का लिंक भेजता हूँ। ओके।